जोगिंद्र नगर बाजार में 10 दिन तक चलने वाले गणपति उत्सव की शुरुआत शुक्रवार सुबह गणपति महाराज की शोभा यात्रा के साथ हो गई। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भक्तजनों ने गणपति बप्पा की शोभा यात्रा में भाग लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणपति महाराज दो पंडालों में विराजमान हुए हैं। एक ओर गणपति सेवा युवा मंडल जोगिंद्र नगर द्वारा पिछले 10 साल से, तो वहीं बाल गणपति उत्सव समिति द्वारा पिछले 6 साल से गणपति उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर में गणपति उत्सव का ये 11वां वर्ष है। इस साल भी गणपति सेवा युवा मंडल एवं बाल गणपति उत्सव समिति जोगिंद्र नगर के आयोजकों द्वारा गणपति उत्सव को और ज्यादा रोचक बनाने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ओम गणेशाय नमः। सर्वप्रथम सभी शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की गणेश मंडल की ओर से सर्व बधाइयाँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार भी हर वर्ष की भांति गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शोभा यात्रा आज यहां से निकाली जाएगी और पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए पंडाल में गणपति जी की स्थापना की जाएगी। उसके पश्चात गणपति जी की आरती होगी और जैसा कि हर वर्ष होता है हमारी सांस्कृतिक संध्याओं का कार्यक्रम भी होगा। शाम को 7:30 बजे आरती के बाद भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है और सुबह की आरती जो है वो 8:30 बजे नित्य चलती रहेगी। और उसके पश्चात 10 दिन तक गणपति जी हमारे यहाँ शहर में विराजमान रहेंगे और 19 तारीख को गणपति जी का ऐसे ही भव्य शोभा यात्रा के साथ बडौनपुर में विसर्जन किया जाएगा। श्रद्धालुओं से अनुरोध रहेगा कि जो भी पंडाल में श्रद्धालु दर्शन करने आए वो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि कोविड काल के तहत गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है जिसमें कि पूरा प्रोटोकॉल निभाया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है, लेकिन फिर भी मेरी श्रद्धालुओं से एक विनती रहेगी कि वो अगर गणेश पंडाल में आते हैं तो अपना मास्क घर से ही लेके आए। धन्यवाद। अब इस साल सभी प्रदेशवासियों को गणपति उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति इस वर्ष सबके लिए शुभ संदेश और कोविड से बचाने के लिए आए हैं और सबकी रक्षा करेंगे। और हमने कोविड के नियमों का पालना करते हुए इस बार बड़े सूक्ष्म रूप से तैयारी शुरू की है। रात को भजन संध्या होगी जैसे भी होते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें हमने पंडाल में सैनिटाइजर और मास्क का भी प्रबंध किया है। जो भी प्रदेश सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं उनकी पूरी पूरी पालना की जाएगी और बहुत ही भव्य रूप से गणपति पंडाल को सजाया गया है और बहुत ही बच्चों ने मेहनत की है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक दबी टीवी के लिए जोगिंद्र नगर से अमित सूद।